देश में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पहली बार ये आयोजन बड़े स्तर पर आयोजित नहीं किए जा सके। वहीं कोरोना महामारी के कारण इस बार पटेल मैदान मंडी में युवा सेवा एवं खेल विभाग जिला मंडी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां भी स्थगित की गई और खिलाड़ियों को सिर्फ मेजर ध्यानचंद के जीवन परिचय से अवगत करवाया गया और नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। मेजर ध्यानचंद सन 1922 से सेना की ही प्रतियोगिताओं में हॉकी खेला करते थे। दिल्ली में हुई वार्षिक प्रतियोगिता में जब इन्हें सराहा गया तो इनका हौसला बढ़ा। ध्यानचंद ने 13 मई सन 1926 को न्यूजीलैंड में पहला मैच खेला था। न्यूजीलैंड में 21 मैच खेले जिनमें 3 टेस्ट मैच भी थे। इन 21 मैचों में से 18 जीते, 2 मैच अनिर्णित रहे और 1 में हारे। पूरे मैचों में इन्होंने 192 गोल बनाए, उन पर कुल 24 गोल ही हुए। 27 मई सन 1932 को श्रीलंका में 2 मैच खेले, ए मैच में 21-0 तथा दूसरे में 10-0 से विजय रहे। सन 1935 में भारतीय हॉकी दल के न्यूजीलैंड के दौरे पर इनके दल ने 49 मैच खेले, जिसमें 48 मैच जीते और एक वर्षा होने के कारण स्थगित हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 400 से अधिक गोल किए। फिर मेजर ध्यानचंद ने अप्रैल 1949 को प्रथम कोटि की हॉकी से संन्यास ले लिया। 3 दिसंबर 1979 को हॉकी के जादूगर ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि यहाँ पटेल स्टेडियम में आज 29 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष में उनको सम्मानित करने के उपलक्ष में यह मनाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल गतिविधियाँ यहाँ ग्राउंड में आयोजित की जाती हैं, लेकिन कोविड-19 के इस दौर में यह गतिविधियाँ हमारी नहीं हो सकी। इनमें सिर्फ खिलाड़ियों को ध्यानचंद के बारे में बताया गया और नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत उनको नशा मुक्ति के बारे में संदेश दिया गया यहाँ, और उनको खिलाड़ियों को क्या खेल के बारे में जो उनके इसमें इनकी जो उपलब्धियों खिलाड़ियों की जो उपलब्धियां हैं जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उनको बच्चों को उसके बारे में अवगत कराया गया और बच्चों को यहाँ पे एक रिफ्रेशमेंट का प्रावधान था और इस तरह से यह राष्ट्रीय खेल यहाँ संक्षिप्त छोटे स्तर पे ही हमने इसको मनाया गया।